इन्वाइट करना चाहूँगा मरीम नवाज़ को, बिलावल को और नवाज़ शरीफ साहब भी बिल्कुल आएँ और अपना विजन दें कि हम लोग क्लासेस छोड़ के आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो बनती है ना, आगे एक बार अपोलोजाइज़ कर देते कि चले जी मैं लेट हो गया। स्टूडेंट की टून थी, आपको लगता है वो कुछ ज़्यादा हो गया? आपसे एक बड़े आपके बैठे हैं तो आप ये नहीं कह सकते उनसे कि आप इल्म की कदर नहीं करते। ये भी पता चला कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम नून के जो कायदा है वो भी आ रहे हैं लम्स में, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली अपने LPRI जो हमारा थिंक टैंक है उसके तवसुत से इनवाइट करना चाहूँगा मरीम नवाज़ को, बिलावल को और जितने बाकी कन्वेंशनल। नवाज़ शरीफ साहब को करना चाहेंगे कि उनको नहीं? नहीं, नवाज़ शरीफ साहब भी बिल्कुल आएँ और अपना वजन दें। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा वहाँ पर। वहाँ हम पहुँच गए, अब हमें टाइम दिया हुआ था 3:30 बजे आपने पहुँचना है, 4 बजे काकड़ साहब ने आना था, तो हमने आधा घंटा पहले आ जाना था। खैर काफ़ी लोग पहुँच गए 3:30 बजे, अंदर जाके अब हम बैठ गए। 4 बजे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, नहीं आए। 4:15 होते हैं, 4:30 होते हैं, 4:45 होते हैं, तकरीबन 4:50 पर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं। अब आप ये देखें कि हम लोग क्लासेस छोड़ के आए हुए हैं, कुछ टीचर्स वगैरह CP होती है, क्लास में अटेंडेंस होती है, वो नहीं अकोमोडेट करते बच्चों को, लेकिन हम अपने रिस्क के ऊपर, अपने एकेडमिक जो हमारा हर्ज होता है उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं आपको सुनने के लिए, वेट भी कर रहे हैं। ना अंदर पानी है, ना चॉकलेट है, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि चले कोई बात नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लेट हो गए, आके एक बार अपोलोजाइज़ कर देते कि चले जी मैं लेट हो गया, बहुत माफ़रत। लेकिन जो स्टूडेंट की टून थी, आपको लगता है वो कुछ ज़्यादा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा हो गई थी। आपसे एक बड़े आपके बैठे हैं तो आप ये नहीं कह सकते उनसे कि आप इल्म की कदर नहीं करते। इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन उससे पहला सवाल जो उन्होंने रिस्पेक्टफुली रखा था कि हमें 50 मिनट वेट करना पड़ा है, तो वो उसका एहसास मुझे भी हुआ क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था। और उसके बाद जो उनका जवाब था वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, क्योंकि बजाय इसके कि वो अपोलोजाइज़ करते, उन्होंने ये कहा कि मैं चंदा कैबिनेट की मीटिंग ले रहा था, या आप अगर जाना चाहते बाहर तो बाहर चले जाते। मेरे ख्याल है ये बात नामुनासिब है, क्योंकि लेट आना तो वैसे ही बुरा है क्योंकि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होकर लेट आना और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आप यूथ के लिए और अपनी आवाम के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो कि जी मैं लेट हो जाता हूँ और यूनिवर्सिटी सेटिंग के अंदर लेट हो जाता हूँ। Don't worry, Foodpanda संभाल लेगा।